हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरीन्स किचन। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी ऑरेंज चिकन बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उनको इतने छोटे छोटे पीसेस में काट कर रेडी कर लिया है। चिकन तो हमारी रेडी है, तो हम चलते हैं इसे मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, और दूसरी चीज यहाँ पर मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1/4 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो हम इसके अंदर 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 कप मैदा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1/2 कप मैदा डाल देंगे हम। 1/2 कप मैदा इसके अंदर मैंने डाल दिया था, अब मैं इसके अंदर 1/4 कप और मैदा डाल रही हूँ। यहाँ पर हमने पूरा 1/2 कप और 1/4 कप मैदा इसके अंदर यूज किया है। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक बार मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाल रही हूँ और हमारा जो बैटर है उसको हम मिक्स करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। कुछ इस तरीके का बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। इस बैटर के अंदर मैंने 1/2 कप पानी डाला है और ये इस तरीके का बैटर हमें तैयार करना है। बैटर एकदम रेडी है। अब लास्ट के अंदर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाल दिया है हमारे बैटर के अंदर। तेल डालने के बाद में हमारे जो बैटर को हम फिर से मिक्स कर लेंगे कि अच्छी तरीके से इसके अंदर ऑयल है वो मिक्स हो जाए। बैटर हमारा मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हमने जो चिकन ली थी शुरू के अंदर वो हम हमारे बैटर के अंदर डाल देंगे। चिकन के पीसेस को हमने हमारे बैटर के अंदर डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो चारों तरफ से जो बैटर से कवर हो जाए। एक बार मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी चिकन है, मैंने उसे अच्छी तरीके से बैटर में कवर करके रेडी कर लिया है। अब हमारा जो बाउल है मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर दूंगी। प्लास्टिक रैप से कवर करने के बाद में हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैं इसे 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे। हमें इसे फ्रिज में रखना है और रूम के अंदर नहीं। आप इसे अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। 1/2 घंटे पूरी हो चुके हैं और हमने हमारे चिकन को बाहर निकाले रेफ्रिजरेटर से। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट होकर रेडी हो चुकी है। अब चलते इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए तेल ले लिया है और इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमारा चिकन डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और हाई फ्लेम के ऊपर ही हमारी जो चिकन है उसको हम फ्राई करेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ और एक बार थोड़ा थोड़ा करके हम इसे फ्राई कर लेंगे हमारे चिकन को। चिकन हमारी इसके अंदर डाल दी है मैंने। अब मैं इसे थोड़ा अलग कर लेती हूँ कि अच्छी तरीके से अलग अलग होकर के लिए फ्राई होती रहे। अब हमारा जो चिकन है उसको हम लाइट गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे और हम हाई फ्लेम के ऊपर ही इन्हें हमें फ्राई करना है। तो अभी मैं इन्हें थोड़ा सा लाइट गोल्डन जब तक ना हो जाए चारों तरफ से तब तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है और देखिए कितने अच्छी तरीके से ये फ्राई होकर तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से हमारे जो बाकी चिकन है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। अब ये तो एकदम रेडी है और हमारी बाकी चिकन को भी मैं फ्राई करके रेडी कर लूंगी। ये देखिए हमारे जो सारे चिकन है उनको हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। कुछ इस तरीके से आप भी उन्हें बनाकर तैयार कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद में मैं यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास में चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एक बार सभी चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी और गैस की फ्लेम को अभी हमने यहाँ पर लो मीडियम के बीच में रखा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून चीनी और चीनी डालने के बाद में हम एक बार फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून विनेगर हम इसके अंदर और डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप ऑरेंज जूस, और जूस डालने के बाद में एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे इसे। ऑरेंज जूस तो हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, एक बार हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। अब हमारा जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो सॉस है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी देर और पका लूंगी, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में हमारा जो सॉस है वो गाढ़ा हो चुका है, तो एकदम रेडी है। अब हमने गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पर कर दिया है। अब हमारी जो चिकन हमने फ्राई करके रेडी की थी वो हमारे सॉस के अंदर हम डाल देंगे, और हम इसे लो फ्लेम के ऊपर हमारे सॉस के अंदर मिक्स करते हुए हम जो चिकन को हम कुक कर लेंगे। तो अभी सारे चिकन को मैं एक बार इसे सॉस के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए सारी चिकन को मैंने सॉस के अंदर डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो चिकन है वो हमारे सॉस में अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो हमें हमारे चिकन को ये सॉस के अंदर पूरी तरीके से कवर करना है। और गैस की फ्लेम को हमने अभी लो कर रखा है, और इसे हम लो फ्लेम के ऊपर ही कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा देर हमें नहीं करनी, हम इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर सॉस में मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। ये देखिए हमारी चिकन एकदम बनकर रेडी हो चुकी है, और एकदम सॉस से हमने इसे कवर कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी एंड इजी ऑरेंज चिकन बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।